वो उठ गया है क्या? उठ गए हैं और पेपर पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, जब नीचे आएगा तो मैं उससे मिलती हूँ। ये सुबह सुबह सास बहू में क्या डिस्कस चल रहा है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये ले प्रसाद ले। क्या माँ, अभी भी यही सब लगा के रखा है? अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, बच्चा नहीं रहा मैं। सिर्फ आज के लिए मम्मी की बात मान लीजिए ना, वो सुबह सुबह उठ के आपके लिए मंदिर गई थी। ओह ठीक है, माँ मेरे लिए प्रसाद लेकर आई है तो माँ ही मेरे माथे पर लगा दे। आज का दिन किस लिए खास है पता है? सब दिन की तरह आज का भी दिन होगा। आज का दिन नहीं है, आज तेरा जन्मदिन है। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। कंगा, ऊपर से जाकर मेरी फाइल लेकर आओ, मुझे अभी एक मीटिंग में जाना है। जब देखो आपकी मीटिंग ही रहती है, परिवार के लिए भी आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। ये मजाक कर रही है, इसे जाने दो। जन्मदिन के दिन भी मैं अपने स्टाइल में अच्छा लगूंगा। बहुत अच्छा, कोई भी नजर नहीं लगाएगा, डरना मत। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब बड़े बात करो तो बीच में मजाक नहीं करना चाहिए। हाँ, समझ में नहीं आता। अभी भी बच्चों की तरह लड़ते रहते हो आपस में। तुम मिनिस्टर बन गए हो लेकिन अभी भी बच्चे हो। तुम फालतू की बातें बंद करो और जाकर पढ़ाई करो, जाओ। गुड मॉर्निंग। अरे आप अचानक यहाँ पर आज कैसे? अब हमारे बीच में प्रोटोकॉल फॉर्मेलिटीज की क्या बात है? हाँ हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कहा। हाँ, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें एक बात बताई थी बाला सुब्रमण्यम के बारे में। हाँ, आप इस केस में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। नहीं, मुझे उसका एड्रेस पता करना था, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, ये उसका पहला अटेम्प्ट कहाँ था, पैसा दे करके उसने पहली ट्रेनिंग कहाँ ली थी, वो जानना है। इंडिया को डराने वाला मुंबई टेरर अटैक में पकड़ा गया, अजमल कसाब का भी ये फर्स्ट अटैक है। अरे नहीं, ये बिल्कुल वैसा केस नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। मैंने उसे रिलीज कराने के लिए मैंने एक लिखा हुआ पत्र रिव्यू कमेटी को और गवर्नमेंट से रिकमेंड करवाया था, उस पर पुराने होम मिनिस्टर ने साइन किया था, लेकिन सॉरी, इस बात के लिए नटराज सर मुझसे यहाँ मिलने के लिए आएंगे, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। उसकी सारी डिटेल्स मुझे अच्छे से पता है, जिन लड़कों के पास काम नहीं रहता उन्हें पकड़कर उन्हें आतंकवादी बना देता है और हमारे मशहूर शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करवाते हैं, मुंबई में, कश्मीर में, आसाम में, वहाँ पर जैसा किया वैसा ही तमिलनाडु में भी करना चाहते हैं, यही उनका टारगेट है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये हमारी पुलिस की इंक्वायरी और पूछताछ ही है सिर्फ, आप तो हमारी पुलिस को बहुत अच्छी तरह जानते हो, चोर को पकड़ने के अलावा सड़क से किसी को भी पकड़ कर ले आते हैं, ये तो उनके लिए छोटी सी बात। प्लीज, इसके बारे में मुझे और बात नहीं करनी, आप जाकर उसके वकील को ये बात समझा देना, वो जितनों को भी सिफारिश के लिए भेजे या जितनों को भी पैसा देगा या जितनी भी गलत रिपोर्ट बनाए और वो रिपोर्ट मुझे दे, लेकिन उस रिपोर्ट पर ये होम मिनिस्टर विश्वनाथ कभी भी साइन नहीं करेगा। So please, बाहर जाने का रास्ता मैं अच्छी तरह जानता हूँ मिस्टर विश्वनाथ, मेरा काम था समझाना, नहीं तो अच्छी तरह समझाना जानता है नटराज, समझ गया ना? चलता हूँ। जरूरत पड़े तो मैं एक रास्ता बता देता हूँ, अचानक से अगर हार्ट अटैक आ जाए तो मेडिकल साइंस में उसे कहते हैं कॉर्डिया कह रहे हैं। आज 14 नवंबर है, ऑफिशियली कोई काम नहीं है, फिर मैंने सोचा कि असेंबली में जाकर मैं देख कर आऊं, लेकिन वहां जाकर मुझे फायदा हुआ। अगर मुझे इस बात की जानकारी नहीं होती, जोसेफ भाई हॉस्पिटल में थे और अब वो डिस्चार्ज होकर बाहर आ गए। ये मेरे पिताजी के जिगरी दोस्त हैं, मुझे पढ़ाने वाले मेरे गुरु हैं, फिर भी मैं उनको भाई कह रहा था क्योंकि मेरे पिताजी जो उन्हें कहते थे मैं भी वही कहता था। फालतू चीजों पर ध्यान ना देकर आगे बढ़ने वाले ये ऐसे इंसान हैं, घर के अंदर बैठकर सूरज को भी ये देखना पसंद नहीं करते, उनके आसपास कोई रिश्तेदार ना हो यही सोचकर ये अकेले जीवन व्यतीत करते हैं, ये अकेले शेर हैं। अंदर आजा भाई। मिनिस्टर को बात करने के लिए टाइम हो तो बात कर सकते हैं, पीने के लिए यहाँ पे सिर्फ पानी और कुछ भी नहीं है। तुम बिजी हो, पूरा स्टेट घूमने से तुम्हें फुर्सत कहाँ है? इस बुड्ढे से मिलने के लिए आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए मिनिस्टर साहब? मुझे आज ही पता चला कि आप डिस्चार्ज हुए, बाहर कभी भी नहीं गए, ऐसा रहे तो ऐसा ही सोचा होगा। 70 सालों से मुझे बोनस अलाउंस के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। अभी दोबारा अटैक आए तो मैं जरूर चला जाऊंगा, फिर तुम्हें मुझसे मिलने के लिए शमशान ही आना पड़ेगा। मेरी बात मानिए, आप किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर अपना इलाज करवाइए। इन सब की क्या जरूरत है, मुझे जिंदगी से तंग आ गया हूँ। आहा,
तुम इस लाल बड़ी गाड़ी से आए हो? पुलिस के साथ नहीं आए क्या? मैंने मना किया था। ओ न्याय, आज के जमाने में भला कहाँ मिलने वाला है। वैसे भी कोई है क्या इस शहर में? न्याय के रास्ते पे चलने वाला कोई है भी क्या? तुम्हें जिंदगी जीना सीखना चाहिए। तुम्हारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मदद करने वाले और साथ देने वाले लोगों को तुम्हें भूल जाना चाहिए। रिश्ते नातों को छोड़ देना चाहिए, तब कहीं जाकर के तुम बड़े मंत्री कहलाओगे। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। और अगर तुमने गलती की तो तुम्हें कुत्ता भी नहीं पहचानेगा। ये है पार्टी और पार्टी का न्याय। अच्छा ही नहीं होना चाहिए। मेरी बात मानिए, आप तकलीफ मत उठाइए। जाने दो जाने दो। तुम्हारे ऊपर तुम्हारा पिता, जो जिंदगी में कभी किसी से नहीं डरा था, तो तुमसे क्या डर जाऊंगा मैं? सबसे पहले गरीबों की मदद करने के लिए आगे आने वाला मैं, फिर पार्टी के आगे बढ़ने के बारे में सोचने वाला। लेकिन सबने मिलकर मुझे जेल भिजवा दिया था। इल्जाम लगाया कि मैंने लोगों के खिलाफ गलत कदम उठाया। बचपन से पार्टी के भले के लिए सोचा और धोखेबाज कह के मुझे पार्टी से बाहर निकलवा दिया गया था। जो लोग मुझे अच्छी तरह से जानते थे उन लोगों ने ही मेरा पूरा सपोर्ट किया था। पद के लिए मैं कभी कुछ नहीं सोचा था। उस वक्त पुलिस के मार से मुझे कभी पानी भी न मिले ऐसा बंदोबस्त किया था लोगों ने। लेकिन फिर भी मेरे हौसले में कभी कोई कमी नहीं आई थी। कौन क्या है उसी दिन देख लिया था मैंने। तुम्हारे पिता को कभी न्याय नहीं मिला, इसलिए उसके जीत की शक्ल में तुम हो। ये मत भूलना तुम बेटा। नहीं जोसेफ भाई, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपने जिगरी दोस्त के बेटे से सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। कोई भी हिसाब किताब में धोखा ना करने वाले तुम्हारे पिता के मन में एक बात हमेशा आती थी कि हमारी कॉलोनी में रहने वाले सभी गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन चाल चल करके तुम्हारे पिता को पार्टी से निकाल दिया गया था। तुम्हें उसको ठीक करना है और इसी बात को नियम बना करके अगर तुम अपने रास्ते पे चलोगे तो तुम बहुत जल्द ही कामयाब हो जाओगे बेटा। माफ कीजिए, मैं आपसे मिलने देर से आया। सारी बातें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तभी तो तुमसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ और हमेशा यहाँ रहूंगा। तुम्हें और भी बातें बताऊंगा। मैं इस भाड़े के घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं चलता हूँ। जाओ बेटा। अरे अशरफ, तुम यहाँ पर? इस तरह विश्वनाथ भाई की गाड़ी देखे तो मैं मिलने आ गया। विश्वनाथ भाई, एक लात मारू तुझे। तुम हमेशा की तरह मुझसे बात करो। तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो दिलीप, तुम अशरफ के गाड़ी के पीछे आओ। ठीक है। मुझे तुम्हारे घर चल के तुम्हारे माता पिता से मिलना है। आओ चलो। हाँ पुलिस की चेकिंग चल रही है। अगर वो रोके तो तुम कुछ मत बोलना। गाड़ी रोको, तुम जाकर बात करो। मैं जा के आता हूँ। गाड़ी का इंश्योरेंस तो खत्म हो गया। आज मिडनाइट तक है सर, मैं कल भर दूंगा सर। हाँ? ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हें देखना था। हाँ वो बात तो है सर, मैं भर दूंगा। अरे 50 रुपए देकर चला जा भाई, रिश्वत देने पड़ेगा। हाँ? तो क्या बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाओगे? आज मिडनाइट तक इंश्योरेंस का टाइम है सर, तो मैं आपको क्यों पैसा दूँ? पुलिस से ऐसे बात करते हैं क्या? वो देखो, वो ट्रक आ रहा है ना, वो राज सर का ट्रक है, उसे रोको, नहीं जाने दो। ठीक है सर। पागल है क्या? दिखाई नहीं दे रहा तुझे? सर हाथ हटाओ। जो ईमानदारी से काम नहीं करता उसे विश्वनाथ को सैल्यूट करने का हक नहीं। सर वो तो खाकी वर्दी पहनकर तुम लोग सड़क पर भीख मांगते हो और इस शराब की लॉरी को तुम लोग प्रोटेक्ट करते हो। हाँ सर वो तुम जैसे पुलिस वालों की वजह से पब्लिक का पुलिस पर से भरोसा उठ चुका है, समझे? सर मुझे माफ कर दीजिए। माफ नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उतारो वर्दी और ये बैग। ऐसा ही राधा कृष्ण, अब कुछ दिन घर पर जाकर बैठ के बर्तन मांजो, समझे? अगर कोई गलती करता है तो उस पर हाथ उठाओ, भीख मांगने के लिए नहीं। इस लॉरी को कहां जाना चाहिए तुम जानते हो? हाथ लेके जाओ अशरफ। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं।